नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव, मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसा कर किया ब्लैकमेल, लूटे 80 लाख रुपए, यूट्यूबर्स कपल पर मामला दर्ज। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। एक विज्ञान एजेंसी चलाने वाले पीड़ित ने अगस्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि दाम्पत्य में अंतरिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया। उनकी याचिका को हाल ही में खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद गुरुवार को सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई थी। दिल्ली के एक यूट्यूबर कपल के खिलाफ 21 वर्षीय व्यवसायी को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे कथित रूप से 80 लाख रुपए वसूलने और दुष्कर्म करने के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले पीड़ित ने अगस्त में शिकायत दर्ज कराई थी ये दिन, लेकिन दाम्पत्य ने अतिरम जमानत के लिए अदालत का रुख किया गया था। इसकी याचिका को हाल ही में खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद गुरुवार को सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यहाँ के बदशाहपुर में निवासी शिकायतकर्ता ने कहा कि वह दिल्ली के शालीमार बाग निवासी नामरा कादिर नाम की एक महिला से कुछ समय पहले ही सुहाना रोड स्थित एक सेक्टर होटल में काम किए सिलसिले में संपर्क में आया था। कादरी के साथ विराट उर्फ मोनिश बुनीवाल का नाम भी शख्स में शामिल है। इस शख्स भी शामिल है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उनके कादिर को बिजनेस के सिलसिले में 25 लाख रुपए देने का भुगतान किया गया था, और लेकिन जब उसने यह काम के बारे में पूछा तो उसने उसे शादी का प्रस्ताव दे डाला। पुलिस ने शिकायतकर्ता के हवाले से यह कहा गया है कि वह दोस्त बन गए थे। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि कादरी के उसके साथ रातें बिताई थी और दाम्पत्य ने इस सब का वीडियो भी रिकॉर्ड किया कर लिया था, जिसके आधार पर उन्होंने उसे ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया था। शुरू करने के बाद भी वह रुके नहीं और वीडियोस बनाते रहे। उन्होंने कहा कि कादरी ने धमकी दी कि वह उसके खिलाफ बलात्कार व मामला दर्ज कराएगी। कादरी ने उसे ब्लैकमेल कर 80 लाख रुपए का अधिक वसूल किए थे, लेकिन पुलिस ने 10 अक्टूबर को दाम्पत्य को नोटिस दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अतिरम जमानत के लिए गुरुग्राम की अदालत का रुख किया, जिसमें 18 नवंबर को खारिज कर दिया गया। उन पर भारतीय दंड संहिता धारा 378 के 342 और 506 और 33 के तहत मामले दर्ज किया गया। थाने प्रभारी राजेश कुमार ने गुरुवार को सेक्टर 50 थाने में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चोर ने पत्नी बेटे के चाकू मारा, मैंने उसका मुंह तोड़ा, रिटायर्ड आर्मी मैन बोले ऑफिसर्स को वो पुलिस कस्टडी में भाग निकाला। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में शनिवार को फरार हुए चोर को पुलिस सर्च कर रही है। वह बाथरूम की खिड़की खोलकर भाग गया था। संजीवनी थाना नगर पुलिस के उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में लेकर पहुंची थी। उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और पुलिस को चकमा दे गया। चोर को रिटायर्ड आर्मी मैन ने पकड़कर पुलिस के हैंड ओवर कर दिया, जिससे उसे पहले ही चोर के साथ उनका संघर्ष हुआ। चोर ने उन्हें पत्नी बेटे और बेटे को चाकू से घायल भी कर दिया। उसका एक साथी भाग निकला। आगे ही जानते हैं क्या हुआ। रिटायर्ड आर्मी मैन की जुबानी चोर को पकड़ने की कहानी। मैं जगदीश राजक आर्मी से रिटायर्ड हूँ। अपने रिश्तेदार की शादी शुक्रवार की रात को बेटागर रेस्टोरेंट आ गया हुआ था। वहां से शनिवार की सुबह 4 बजे लौटकर आया तो देखा कि मैं हलचल में हो रही है, और घर में हलचल होने के बाद भी जैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला तो घर के अंदर घुसे चोर ने पत्नी बेटे और मुझ पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। पत्नी ने बेटे को अलावा मेरे हाथ पैर और मुंह में भी चोट आ गई है, लेकिन मैंने चोर को नहीं छोड़ा। इस दौरान मैंने उसके मुंह में एक जोरदार मुक्का भी जड़ दिया। दुख से इस बात का है कि दूसरा उसके साथ ही मौके से फरार हो गया। श्रद्धा मर्डर केस तिहाड़ की जेल, नवंबर 4 में आफ्ताब, वहां दूसरा कैदी नहीं, पुलिस की मौजूदगी में दिया जाएगा खाना, 24 घंटे तक निगरानी। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब आरोपी अमीन पुनावाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, और आफ्ताब ने तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा गया है, जहां आमतौर पर पहली बार आपराध करने वालों को रखा जाता है। आफ्ताब ने 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब तक 10 दिन की पुलिस कस्टडी में रहा। इस दौरान उससे पूछताछ की गई, उसे पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ। पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया पूरा होने के बाद उसका नार्को टेस्ट भी लिया गया, जिसकी मंजूरी कोर्ट ने पहले ही दे चुकी थी। जेल के बाहर 24 घंटे तैनात रहेगा गार्ड, और जेल के सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टर्स में दावा किया गया है कि आफ्ताब जेल नवम्बर 4 में अकेला ही रहेगा। सूत्रों ने कहा है कि अगल सेल में एक ही कैदी रहेगा, वो जल्द से जल्द
जेल से नहीं हटाया जाएगा। आफताब ने खाना पुलिस की मौजूदगी में ही दिया जाएगा और उसकी जेल से बाहर 24 घंटे तक एक गार्ड तैनात रहेगा, जहां 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इन कैमरों में आरोपी 24 घंटे की निगरानी में होगा। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे सीसीटीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsday.com पर। फिलहाल वक्त चला, जिसको ब्रेक, कवरेज लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।